हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, मैथमेटिक्स की आज की क्लास में हम बीएससी मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक गामा फलन और बीटा फलन पर डिपेंड महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न ये है। इस प्रश्न में हमें सिद्ध करने के लिए कहा है, सिद्ध कीजिए कि गामा एन इंटू गामा वन माइनस एन इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन एन पाई होता है। यहाँ जीरो लेस देन एन लेस देन वन है। साथ में ये भी दिया गया है कि इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स, इस इंटीग्रेशन का मान पाई अपॉन साइन एन पाई के इक्वल दिया गया है और हमें ये प्रूव करने के लिए कहा गया है। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। इसे प्रूव करने के लिए हमें ये मालूम है कि हम जानते हैं कि बीटा फलन और गामा फलन में जो संबंध होता है वह यह संबंध होता है, बीटा एम एन इक्वल्स टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। पिछली क्लास में हमने ये संबंध भी प्रूव किया है, जिसमें हमने प्रूव करके दिखाया था कि बीटा और गामा फलन के बीच ये रिलेशन होता है। ठीक है, आप चाहे तो हमारे पिछली क्लास की वीडियो देख सकते हो और उस वीडियो में इसका प्रूफ देख सकते हो कि बीटा एम एन का गामा फलन के रूप में मान इतना होता है। ठीक है, इसे हम समीकरण एक दे रहे हैं। इसी प्रकार से जब हमने बीटा फलन पढ़े थे तो उस बीटा फलन वाली क्लास में हमने ये भी पढ़े थे कि बीटा एम एन का एक रूप ये होता है, इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन डी एक्स। ये है समीकरण दो। हमने ये प्रूफ किया है पिछली किसी एक क्लास में, हमने प्रूफ किया है कि बीटा एम एन का एक रूप ये भी होता है, बीटा एम एन का एक मान ये भी होता है। अब देखो, इन दोनों समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, मतलब दोनों समीकरणों में ये जो मान लिखे हैं ये दोनों मान बीटा एम एन के हैं, मतलब इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड बीटा एम एन है, इसलिए इसकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। समीकरण एक और दो से इनकी लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल क्वांटिटी लिखी है, इसलिए राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, मतलब गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन इक्वल्स टू होगा इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स होल टू द पावर एम प्लस एन डी एक्स। अब स्टेप को आगे बढ़ाते हैं तो देखो, अब क्या करेंगे हम, यहाँ हम एम प्लस एन इक्वल्स टू वन रखते हैं। अगर आप m प्लस एन इक्वल्स टू वन रखते हो तब m इक्वल्स टू वन माइनस एन होगा, यहाँ से m का मान वन माइनस एन होगा, तब हमें देखो क्या प्राप्त होगा, m के जगह वन माइनस एन आएगा और ये गामा n एज इट इज रहेगा। गामा m प्लस एन को क्या लिखेंगे अब हम, इसको लिखेंगे हम गामा वन, क्योंकि m प्लस एन के जगह हमने वन रखा है। राइट हैंड साइड में ये जीरो टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स होगा ये, क्योंकि एम प्लस एन का मान वन रखा है, मतलब वन प्लस एक्स की घात वन होगी, साथ में ये डी एक्स। ये गामा एन लिख दिए हमने, इनटू में ये गामा वन माइनस एन लिख देते हैं और इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स। अच्छा देखो, प्रश्न में इस इंटीग्रेशन का मान पाई अपॉन साइन एन पाई के इक्वल दिया है। ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू प्रश्न में दिया गया है,
प्रश्न में इसकी वैल्यू पाई अपॉन साइन एन पाई के इक्वल दी है, तो हम इसके जगह इसकी वैल्यू रख देते हैं, जिससे हमें अगले स्टेप में देखो क्या मिलेगा, गामा एन इंटू गामा वन माइनस एन इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन एन पाई। और यही हमें प्रूव करना था, देखो यही प्रूव करना था इस प्रश्न में हमें, गामा एन इंटू गामा वन माइनस एन इक्वल्स टू होता है पाई अपॉन साइन एन पाई, ये प्रूव करना था जो हम प्रूव कर चुके हैं। अब देखो इसी समीकरण की सहायता से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि गामा वन बाय टू की वैल्यू रूट ऑफ पाई होती है। इसी समीकरण के प्रयोग से हम प्रूव कर सकते हैं कि गामा वन बाय टू की वैल्यू रूट ऑफ पाई होती है। देखो कैसे प्रूव करते हैं, देखो ये जो समीकरण है अपना, इस समीकरण में हम n की वैल्यू 1 बाय टू रखते हैं, n इक्वल्स टू 1 बाय टू रखने पर, इसमें अगर आप n के जगह 1 बाय टू रखोगे तो ये होगा 1 बाय टू गामा 1 बाय टू इंटू गामा 1 माइनस 1 बाय टू इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन, ये n पाई है लेकिन n की वैल्यू तो 1 बाय टू रख रहे हैं हम, तो ये 1 बाय टू पाई होगा और 1 बाय टू पाई को हम पाई बाय टू लिखेंगे। ये गामा 1 बाय टू इंटू ये भी गामा 1 बाय टू होगा, 1 माइनस 1 बाय टू 1 बाय टू इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन पाई बाय टू की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, ये होगा गामा 1 बाय टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पाई, दोनों साइड का रूट लेते हैं जिससे हमें गामा 1 बाय टू इक्वल्स टू रूट ऑफ पाई मिलेगा। तो इस प्रकार से हम ये जो फार्मूला हमने प्रूव किया था इसकी सहायता से ये भी प्रूव कर सकते हैं कि गामा 1 बाय टू की वैल्यू रूट पाई होती है। अब हम बीटा गामा फलनों पर डिपेंड कुछ और प्रश्न देखते हैं। सो स्टूडेंट, बीटा और गामा फलन पर डिपेंड ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये जो फार्मूला लिखा है इस फार्मूला को डुप्लीकेशन फार्मूला कहते हैं, और इस क्वेश्चन में हमें इसी डुप्लीकेशन फार्मूला को प्रूव करके दिखाना है। सो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि बीटा फलन और गामा फलन के बीच क्या संबंध होता है, ये हमने पिछली क्लास में देखा है, तो इसे हम लिख देते हैं। हम जानते हैं कि बीटा एम एन इक्वल्स टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, इसे पिछली किसी क्लास में हमने प्रूफ भी किया है, आप चाहो तो हमारे पिछली क्लास की वीडियो देखकर इसका प्रूफ देख सकते हो। इसे हम समीकरण एक दे रहे हैं, साथ में हमने बीटा फलन को ध्रुवीय रूप में भी परिवर्तित किया था, जिसमें हमने प्रूव किया था कि बीटा एम एन का मान 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन थीटा टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू कॉस थीटा टू द पावर 2n माइनस 1 डी थीटा होता है। इसे समीकरण दो देते हैं, बीटा फलन का यह मान, इसके पहले वाली एक क्लास में हम प्रूव कर चुके हैं कि बीटा फलन का मान ध्रुवीय रूप में इतना होता है, और बीटा और गामा फलन के बीच संबंध ये होता है, ये भी प्रूव कर चुके हैं। अब हम इन दोनों समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो दोनों समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो समीकरण एक और दो से इनके राइट हैंड साइड को हम इक्वल लिख देंगे, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन थीटा टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू कॉस थीटा टू द पावर 2n माइनस 1 डी थीटा, ये समीकरण दो की राइट हैंड साइड और ये समीकरण एक की राइट हैंड साइड, दोनों को हमने इक्वल लिख दिया। इसे देते हैं समीकरण तीन, यहाँ पर 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 0 रखते हैं, 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 0 रखने पर
टू एन माइनस वन का मान जीरो रखने का मतलब देखो क्या है, टू एन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो अर्थात एन इक्वल्स टू वन बाई टू रखने पर, यहाँ से अगर एन का मान निकाले तो वन बाई टू प्राप्त होगा। इस मान को यहाँ रखते हैं जिससे हमें प्राप्त होगा टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू साइन थीटा टू द पावर टू एम माइनस वन इंटू कॉस थीटा टू द पावर जीरो डी थीटा इक्वल्स टू गामा एम इंटू गामा वन बाय टू, एन के जगह वन बाय टू, और अपॉन में ये होगा गामा एम प्लस वन बाय टू। इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं, ये टू इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू साइन थीटा टू द पावर टू एम माइनस वन, और ये कॉस थीटा की पावर जीरो मतलब वन होगा, और कॉस थीटा टू द पावर जीरो को वन लिखेंगे और वन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही मिलेगा, साथ में ये डी थीटा इक्वल्स टू गामा एम गामा वन बाय टू अपॉन गामा एम प्लस वन बाय टू। अच्छा देखो आगे हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ हमें गामा वन बाय टू की जगह रूट पाई लिख देना था क्योंकि गामा वन बाय टू की वैल्यू रूट पाई होती है, अभी अभी देखा है हमने, तो यहाँ हम गामा वन बाय टू की जगह रूट पाई भी लिख देंगे जिससे हमें ये स्टेप प्राप्त होगी। गामा वन बाय टू की वैल्यू रूट ऑफ पाई लिखा, साथ में ये गामा एम अपॉन गामा एम प्लस वन बाय टू, इसे समीकरण चार देते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो क्या करते हैं हम, ये जो समीकरण तीन है इस समीकरण तीन में हम एन इक्वल्स टू एम रखते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण तीन में एन इक्वल्स टू एम रखने पर, यहाँ एन के जगह एम रखने से देखो क्या प्राप्त होगा, ये होगा टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू साइन थीटा टू दी पावर टू एम माइनस वन, और ये होगा कॉस थीटा टू दी पावर टू एम माइनस वन क्योंकि हम एन को एम से रिप्लेस कर रहे हैं। डी थीटा इक्वल्स टू गामा एम, यहाँ भी एन के जगह एम आएगा तो ये भी गामा एम कहलाएगा, साथ में ये गामा एम प्लस एम एन के जगह एम। अब इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे हम, टू इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू, यहाँ हम एक बटा दो की घात टू एम माइनस वन का गुना करते हैं और साथ में टू टू दी पावर टू एम माइनस वन से गुना करते हैं, मतलब हमने दो की घात दो एम माइनस वन का गुना और भाग दिया है। इससे अगर ये कैंसिल कर दो तो फिर से यही ऊपर वाली स्टेप मिलेगी हमें, बाकी सभी पद जैसे कि वैसे लिख देते हैं हम, इक्वल्स टू ये गामा एम इंटू गामा एम का स्क्वायर होगा साथ में गामा टू एम, ये इसको इस टाइप से लिख रहे हैं टू अपॉन, इसको बाहर लेते हैं इंटीग्रेशन के, टू टू द पावर टू एम माइनस वन, फिर यहाँ इस इंटीग्रेशन में इतना कंटेंट बचा है, ये जो जितने भी यहाँ पर गुणनखंड लिखे हैं सभी की घात टू एम माइनस वन है तो सभी को एक ही ब्रैकेट में लिख देते हैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा और पूरे की घात में टू एम माइनस वन लिख देते हैं, साथ में ये डी थीटा इक्वल्स टू गामा एम का होल स्क्वायर अपॉन गामा टू एम। इसे आगे बढ़ाते हैं, इसे लिखते हैं हम टू अपॉन टू टू दी पावर टू एम माइनस वन इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू, फिर ये टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को लिखेंगे साइन टू थीटा और इसकी पावर टू एम माइनस वन डी थीटा इक्वल्स टू गामा एम का होल स्क्वायर
अपॉन गामा 2m। यहाँ प्रतिस्थापन करते हैं, माना 2θ इक्वल्स टू 5 लिखते हैं, तब थीटा इक्वल्स टू 5/2 होगा, और अगर इसका अवकलन करें तो डी थीटा का मान d5/2 मिलेगा। लिमिट देख लेते हैं, लिमिट चेंज करते हैं। जब थीटा टेनस टू 0, मतलब जब थीटा की लोअर लिमिट 0 है, तब उस थीटा के मान 0 को यहाँ रखने से फाई का मान भी 0 मिलेगा, मतलब फाई टेनस टू 0 होगा। अब अपर लिमिट देखते हैं, जब थीटा की अपर लिमिट π/2 है, मतलब थीटा का मान π/2 है, तब थीटा का मान π/2 यहाँ रखने पर फाई का मान पाई मिलेगा, फाई टेनस टू पाई। अब इन लिमिट के साथ इन मानों को यहाँ इस समीकरण में रख देंगे, जिससे हमें इस समीकरण का नया रूप प्राप्त होगा, 2/2 2m-1 (0 to π/2) और साथ में ये होगा साइन फाई, 2θ की जगह फाई लिखेंगे, तो ये साइन फाई होगा और उसकी भी पावर में 2m-1 रहेगा, dθ की जगह d5/2 आएगा, इक्वल्स टू गामा एम का होल स्क्वायर अपॉन गामा 2m। अब इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ से हम 2 × ये टोटल इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन इससे पहले देखो क्या होगा, ये 1/2 हम बाहर ले लेते हैं। जब 1/2 को बाहर लेंगे तो बाहर क्या क्या रहेगा, बाहर रहेगा 2/2 2m-1 (2). ये जो 1/2 का 2 है ये बाहर आ जाएगा हर में, और फिर इस इंटीग्रेशन के अंदर साइन फाई 2m-1 d5 रहेगा, और इसकी राइट हैंड साइड एज इट एज रहेगी, गामा एम का स्क्वायर अपॉन गामा 2m। अब हम इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये जो 2 है ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/2 2m-1। अच्छा, यहाँ पर देखो लिमिट जब हमने चेंज किया था तो लिमिट थीटा की फाई की जो लिमिट थी वो 0 to π थी, जब हमने थीटा की लिमिट को पाई की लिमिट में फाई की लिमिट में चेंज किया था तो थीटा की अपर लिमिट π/2 होने पर फाई की अपर लिमिट पाई थी, तो यहाँ पर π/2 ना आकर पाई आएगा, अपर लिमिट फाई की पाई है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, मतलब यहाँ पर भी पाई होगा, यहाँ भी पाई होगा, सिर्फ पाई 0 to π। यहाँ भी लिमिट 0 to π होगी, साथ में ये साइन फाई 2m-1 d5 इक्वल्स टू गामा एम स्क्वायर अपॉन गामा 2m। ठीक, इसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ हम इस इंटीग्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अपर लिमिट को हाफ कर देते हैं, इंटीग्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके हम अपर लिमिट को हाफ कर सकते हैं, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है। साथ में साइन फाई 2m-1 d5 इसको एज इट एज रखेंगे, और इसके राइट हैंड साइड ये भी एज इट एज रहेगी। इसके बाद यहाँ से हम इंटीग्रेशन 2 × इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन फाई 2m-1 d5 इसका मान निकालते हैं, मतलब इसे इस साइड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जब हम इसको सेकंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो इसे सेकंड साइड में अंश में लिखना होगा, 2^2m-1। ये जो इंटीग्रेशन है ये फाई के रूप में लिखा है, इसे हम थीटा के रूप में लिख देते हैं, मतलब फाई के स्थान पे थीटा रख देते हैं, जिससे हमें
साइन थीटा टू दी पावर 2m माइनस 1 डी थीटा प्राप्त होगा इस इंटीग्रेशन में। ये गामा m का स्क्वायर अपॉन गामा 2m इंटू 2 टू दी पावर 2m माइनस 1। इसे इक्वेशन देते हैं, हम देख लेते हैं कौन सी इक्वेशन होगी। ये इक्वेशन होगी फिफ्थ। अच्छा देखो, ये इक्वेशन फोर्थ थी अपने और ये इक्वेशन फिफ्थ है। इक्वेशन फोर और इक्वेशन फिफ्थ, ये दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसकी और इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने पर इनके राइट हैंड साइड को भी हम इक्वल लिख सकते हैं। तो यही करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 4 और 5 से इनके राइट हैंड साइड इक्वल लिख देंगे। गामा पाई इंटू गामा एम अपॉन गामा एम प्लस 1/2 इक्वल्स टू इसके राइट हैंड साइड स्क्वायर ऑफ गामा एम अपॉन गामा 2m इंटू 2 टू द पावर 2m माइनस 1। इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे तो कोई गामा एम की एक घात गामा एम की एक घात से कैंसिल हो जाएगी। साथ में हम ये जो है गामा एम प्लस 1/2 इसको इस साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो इस साइड में सिर्फ रूट ऑफ पाई बचेगा। साथ में इस क्वांटिटी को भी इधर लेके आ रहे हैं, ये गामा 2m को इस साइड में लेके आते हैं हम, रूट ऑफ पाई इंटू गामा 2m, और ये 2 टू द पावर 2m माइनस 1 को भी इस साइड में लेके आते हैं, इसको इस साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये होगा 2 टू द पावर 2m माइनस 1। अब राइट हैंड साइड में देखो क्या क्या रहेगा। ये गामा m की एक घात तो कैंसिल हो चुकी थी, एक घात बचेगी गामा m की। साथ में इसको भी हम इस साइड में शिफ्ट करने वाले हैं, इधर डिनोमिनेटर में है तो इधर न्यूमरेटर में आएगा, इतना रहेगा। ये इसे आगे बढ़ाते हैं, इस साइड को पहले लिख देते हैं गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 इक्वल्स टू रूट ऑफ पाई अपॉन 2 टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m। और देखो यही रिजल्ट प्रूव करना था हमें, यही है डुप्लीकेशन फार्मूला जिसे हमें प्रूव करना था, और यही ये प्रूफ हो चुका है। देखो ये था अपना डुप्लीकेशन फार्मूला जिसमें हमें ये प्रूफ करना था, और इस स्टेप पर आके इसे हमने प्रूफ कर दिखाया। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही, इसके बाद अगली क्लास में देखते हैं।